एक बार फिर से आपके अपने चैनल मार डिजिटल सेवा में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए बहुत ही अच्छी खुशखबरी और आपके लिए बहुत ही उपयोगी न्यूज़। तो फ्रेंड्स, आज की न्यूज़ है CBSE 12th क्लास को लेकर के। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, सेम वही पूरी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, साथ ही बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपको मिलते रहे हमारे द्वारा बनाए गए सभी तरह के वीडियोज और सभी प्रकार की न्यूज सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, फटाफट से सब्सक्राइब करें। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, और साथ ही लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहें। तो फ्रेंड्स, सीधा ले चलते हैं आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया, जानकारी दी है थंबनेल में, वैसा ही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ दैनिक भास्कर के पेज पर, और यहाँ पर आपको देखने को मिला लेटेस्ट, अभी जस्ट अपडेट हुआ है, CBSE 12th वी बोर्ड एग्जाम केवल मेजर सब्जेक्ट के ही एग्जाम हो सकते हैं। अर्थात जो मेजर सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है, उन्हीं के एग्जाम होंगे, बाकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनका एग्जाम नहीं होगा। कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं दे पाने पर एक और मौका मिलेगा। अगर आपने एग्जाम नहीं दे पाया है तो एक मौका और मिलेगा। जैसा कि थंबनेल मैंने आपको दिखाया है, थंबनेल यहाँ से लिया गया है, CBSE बोर्ड में मेजर सब्जेक्ट का गणित। CBSE की 12वीं क्लास में 174 कुल सब्जेक्ट हैं, जिसमें 20 को ही CBSE मेजर सब्जेक्ट मानता है, 20 सब्जेक्ट जो हैं उनको ही मेजर मानता है। स्टूडेंट मिनिमम 5 और मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट लेते हैं, आमतौर पर इनमें से 4 सब्जेक्ट होते हैं, जो 4 सब्जेक्ट होते हैं वो ही मुख्य सब्जेक्ट होते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको जो न्यूज दिखा रहा हूँ, अब मैं आपको नीचे लेकर के चलता हूँ, इसको प्ले करके दिखाता हूँ। जैसा कि इसमें बताया गया है, आप एक बार सुन सकते हो इस वीडियो के माध्यम से, अभी प्ले हो रहा है ये, और ये मैं नीचे लेकर के आ गया इसको, और इस तरीके से जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये नीचे लिखा है। अब थोड़ी जानकारी आपको बता देता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE 12वीं क्लास में मुख्य विषयों यानी मेजर सब्जेक्ट का एग्जाम लेने पर विचार किए कर रहा है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, मेजर सब्जेक्ट कितने रहते हैं, 20 सब्जेक्ट जिन्हें आज जो है CBSE मानता है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, महामारी को देखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है कि 12वीं क्लास में मेजर सब्जेक्ट का ही एग्जाम हो और बाकी सब्जेक्ट की मार्किंग के लिए कोई भी फॉर्मूला अपनाया जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं दे पाते हैं, उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए। सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के चलते 12वीं बोर्ड का एग्जाम टाल दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रविवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मंत्रियों और अधिकारियों की एक हाई लेवल मीटिंग में 12वें के एग्जाम और प्रोफेशनल एजुकेशन एंट्रेंस टेस्ट पर फैसला हो सकता है। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल होंगे। 12वीं के लिए 174 सब्जेक्ट हैं, इनमें से मेन सब्जेक्ट 20 को ही माना जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, पहले भी थंबनेल में दिख रहा है आपको, CBSE 12वीं में से 174 सब्जेक्ट पढ़ाई कराता है, जिसमें 20 को ही मेजर मानता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश शामिल हैं। CBSE का कोई भी स्टूडेंट कम से कम 5 और अधिकतम 6 सब्जेक्ट लेता है, आमतौर पर इनमें 4 मेजर सब्जेक्ट होते हैं। एग्जाम को लेकर CBSE के पास 2 विकल्प हैं, तो विकल्प देखिए क्या विकल्प हैं। CBSE एग्जाम के लिए 2 विकल्प विचार कर रहा है, जिनमें से पहला है सिर्फ मेजर सब्जेक्ट की परीक्षा निर्धारित सेंटर पर कराई जाए सकती है, इन परीक्षाओं के नंबर के आधार पर बनाकर माइनर सब्जेक्ट में भी नंबर दिए जा सकते हैं। इस विकल्प के तहत परीक्षा करवाने के लिए प्री एग्जाम के लिए 1 महीना एग्जाम और रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए 2 महीने और कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए 45 दिनों का समय चाहिए होगा। यानी इस विकल्प को तब ही अपनाया जा सकता है जब CBSE बोर्ड के पास 3 महीने का विंडो हो। अगर ये नहीं है तो दूसरा तरीका विचार रहेगा। दूसरे विकल्प में सभी सब्जेक्ट के एग्जाम के लिए 1.5 घंटे 90 मिनट का समय निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही पेपर में सिर्फ ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछने की सलाह दी है। इस तरह 45 दिन में एग्जाम कराए जा सकते हैं, और इस तरीके से जो है एनिमेशन सेंटर की संख्या बढ़ाकर दोगुनी कर दी जाएगी। इधर इफेक्टिव सब्जेक्ट के 3 और लैंग्वेज का 1 पेपर होगा। इधर आपको दिख रहा है सुझाव में कहा गया है कि 12वीं क्लास के एग्जाम में 1 पेपर और भाषा में से संबंधित 3 पेपर एक्टिव सब्जेक्ट का रखा जाए। 5वें और 6वें सब्जेक्ट के नंबर इलेक्टिव सब्जेक्ट में मिले नंबर के आधार पर की दिए जाएंगे। और दूसरी तरफ आपको देखने को मिल रहा है, यदि बोर्ड दूसरे विकल्प को चुनता है तो सेकेंड फेज में परीक्षा करवाई जा सकती है। कोरोना होने पर परीक्षा न देने पर जो है CBSE के द्वारा कहा गया है कि मौका द्वारा से दिया जाएगा। साथ ही राज्यों के साथ एग्जाम को लेकर चर्चा की गई है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शनिवार को बताया कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छात्रों के जुड़े फैसले सभी राज्य सरकारों को इस सलाह के बाद लेने को कहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाली वर्चुअल मीटिंग रविवार 11:30 बजे होगी। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए एग्जाम को लेकर जनता से सुझाव भी मांगे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए कुछ मुख्य जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही ऐसी ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।